गोलडेम इंटरनेशनल लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग 8 फरवरी 2022 को हुई है और इस मीटिंग में इंटरिम डिविडेंड शेयर स्प्लिट और Q3 के फाइनेंशियल रिजल्ट को अप्रूव कर दिया गया है कंपनी ने तीन रुपये प्रति इक्विटी शेयर का डिविडेंड डिक्लेयर किया है और इस डिविडेंड के लिए जो रिकॉर्ड डेट फिक्स की गई है वो है अट्ठारह फरवरी दो कंपनी शेयर स्प्लिट भी करने वाली है और इस शेयर स्प्लिट में कंपनी अपने इक्विटी शेयर की फेस वैल्यू को दस रुपये से घटाकर दो रुपये करने वाली है इसका मतलब इस शेयर स्प्लिट का रेशियो फाइव इस टू वन है तो अगर रिकॉर्ड डेट पर आपके पास इस कंपनी के एक शेयर हैं तो वो पाँच शेयर में कन्वर्ट हो जाएंगे पाँच शेयर हैं तो वो पच्चीस शेयर में कन्वर्ट हो जाएंगे इसका मतलब स्प्लिट से पहले आपके पास जितने भी शेयर हैं उसे आप पाँच से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो स्प्लिट के बाद आपके पास उतने शेयर हो जाएंगे शेयर स्प्लिट एक न्यूट्रल एक्शन है इसमें ना ही कंपनी के वैल्यूएशन में कोई चेंज होता है ना ही शेयर होल्डिंग्स की होल्डिंग की वैल्यू में कोई भी चेंज होता है कंपनी शेयर स्प्लिट अपने शेयर की लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए करती है शेयर स्प्लिट के बाद कंपनी का शेयर शार्पली गिर जाता है आप अगर इस केस में देखें तो मान लीजिए कि शेयर स्प्लिट से पहले इस कंपनी का शेयर का प्राइस एक हज़ार रुपये है तो स्प्लिट होते ही इस शेयर का प्राइस वन थाउजेंड मल्टीप्लाइड हो जाएगा तो दो सौ रुपए हो जाएगा तो, इस तरह से का प्राइस गिर जाता है, तो ऐसे स्मॉल इन्वेस्टर जो ज्यादा प्राइस हो जाने के कारण इस शेयर में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते थे वो भी इंटरेस्टेड हो जाते हैं और इस शेयर की लिक्विडिटी बढ़ जाती है कंपनी ने इस शेयर स्प्लिट की रिकॉर्ड डेट अभी अनाउंस नहीं की है कंपनी ने क्वार्टर थ्री के फाइनेंशियल रिजल्ट का एक इन्वेस्टर्स प्रेजेंटेशन तैयार किया है तो चलिए मैं आपको उसके थ्रू इस कंपनी के क्वार्टर थ्री के फाइनेंशियल रिजल्ट के बारे में बताता हूँ यह सारे फिगर्स मिलियंस में बताए गए हैं क्वार्टर थ्री में इस कंपनी का रेवेन्यू 224 करोड़ है जो प्रीवियस ईयर के क्वार्टर थ्री में ये लगभग एक करोड़ था तो अगर हम लोग ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखें इस कंपनी का रेवेन्यू फोर्टी बढ़ा है क्वार्टर थ्री में ग्रॉस प्रॉफिट लगभग 77 करोड़ है जिसमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 44 परसेंट का ग्रोथ हुआ है क्वार्टर थ्री में इस कंपनी का एबिटा मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डिप्रिशिएशन एंड एमोटाइजेशन सत्तावन करोड़ है और इसमें भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर लगभग अड़तीस का ग्रोथ हुआ है क्वार्टर थ्री में इस कंपनी के एबिटा का मार्जिन ट्वेंटी है जिसमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पर पॉइंट की गिरावट है क्वार्टर थ्री में इस कंपनी का पीबीटी बिफोर एक्सेप्शनल आइटम 55 करोड़ के आसपास है जो प्रीवियस ईयर के क्वार्टर थ्री में ये 40 करोड़ के आसपास था तो इसमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पर लगभग 38 परसेंट का ग्रोथ हुआ है और अगर हम लोग प्रॉफिट बिफोर टैक्स आफ्टर एक्सेप्शनल आइटम देखें तो क्वार्टर थ्री में तो ये पचपन करोड़ ही है लेकिन प्रीवियस ईयर के क्वार्टर थ्री में ये फिफ्टी करोड़ हो गया तो इसमें जो ईयर ऑन ईयर की गिरावट है वो वन की गिरावट है क्वार्टर थ्री में इस कंपनी का एडजस्टेड पैट उनचालीस करोड़ है जो प्रीवियस ईयर के ये क्वार्टर थ्री में उनतीस करोड़ था तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर एडजस्टेड पैट में थर्टी सिक्स परसेंट का ग्रोथ है क्वार्टर थ्री में इस कंपनी के पैट का मार्जिन सेवनटीन पॉइंट सेवन परसेंट था जो प्रीवियस ईयर क्वार्टर ये थ्री में एटीन पॉइंट थ्री परसेंट था तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर पैट में पॉइंट सिक्स टू परसेंट की गिरावट है क्वार्टर थ्री में इस कंपनी का अर्निंग पर शेयर अट्ठारह रुपये सोलह पैसा है जो प्रीवियस ईयर के क्वार्टर थ्री में बीस रुपये सोलह पैसा था तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अर्निंग पर शेयर में नाइन पॉइंट नाइन परसेंट की गिरावट है तो आपने देख लिया कि ये कंपनी रेवेन्यू के फ्रंट पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर तो अच्छा कर रही है लेकिन मार्जिन के फ्रंट पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर थोड़ी गिरावट है मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो आप इस वीडियो को लाइक करें अपने फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें धन्यवाद